गौरव भाटिया, सुना आपने, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि असम का गमछा पुडुचेरी की नर्स, केरल की नर्स गीतांजलि भी हाथ में रख लेते तो चुनाव प्रचार पूरा हो जाता। रोहित जी, सबसे पहले तो आज देश गौरवान्वित है, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि भारत में जो निर्मित वैक्सीन है उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने लिया और एक रुदाली गैंग है रोती हुई फूफियों का, भ्रम जाल फैलाता है हर बात में, भ्रम हो जाए और नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कैसे करें, उनका ये जो जाल का पर्दा है उसको आज पूरी तरह से निराधार करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से भारतीय निर्मित वैक्सीन पूरी तरह से विश्वासजनक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा नर्स केरला की थी, पुडुचेरी की थी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि नर्स में हम भगवान का रूप, देवी का रूप ढूंढते हैं, हमें उसकी क्षेत्रीय जो पहचान है उससे कोई लेना देना नहीं। ये ओछी गंदी संकुचित सोच जो है कांग्रेस और विपक्षियों की ही हो सकती है। और इन्होंने ये भी कहा साथ में कि इससे पहले नवाब मलिक का एक ट्वीट था कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहले वैक्सीन लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पहले लगा लेते हो तो कहते देखिए किस तरह से गरीबों का हक मारा, आज लगवाया तो इन्होंने कहा कि देखिए चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। अरे अंगोछा असम की सांस्कृतिक विरासत जो भारत की है उसी का है ना, इटली और सिसिली का अंगोछा तो नहीं पहना है ना, नर्स कोई इटली की तो नहीं है। हर बात पे नकारात्मक राजनीति क्यों की जाती है? और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने आज बड़ी अच्छी बात करी, उन्होंने कहा ये पल है जब सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, विपक्ष के नेता भी सामने आए। और मैं धन्यवाद देता हूं शरद पवार जी का, पटनायक जी का, जो सामने आए और उन्होंने भी आज टीका लगवाया। ये बात बिल्कुल प्रबल तरीके से कही कि भारत ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है और ये बिल्कुल सुरक्षित है और देशवासियों की जान पर जो है जी, ये बचाना हमारा मकसद है। अजीब इत्तेफाक नहीं है, पार्टी रोती ही रहेगी, ये इत्तेफाक अजीब नहीं है। चलिए असम का गामुसा तो उनके कंधे पे पहले भी देखा है लोगों ने, एक बार को मान लिया जाए कि वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नर्स पुडुचेरी की, एक नर्स केरल की, ये अचानक हो गया अपने आप या प्लान्ड था क्योंकि चुनाव है इन राज्यों में? देखिए रोहित जी, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, मैं कहता हूं कि पुडुचेरी की थी या केरला की थी या अंगोछा असम का था, ये मायने रखता है या ये मायने रखता है कि जिस कार्य में वैक्सीन निर्माण में जो है 10 साल लग जाते हैं, भारत ने 1 साल में किया, एक नहीं 2 वैक्सीन किए, क्या ये मायने नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले आगे आए और उस कंपनी का वैक्सीन लगवाया जिसके ऊपर शशि थरूर ने उंगली उठा के भ्रम जाल फैलाने का काम किया था? ये मायने रखता है कि अंगोछा असम का है या ये मायने रखता है कि पूरा देश एकजुट हो गया और किसी भी राज्य में, चाहे वो भाजपा शासित हो चाहे विपक्षी पार्टी का राज्य हो, वहां पे वैक्सीन पहुंचाया, ये बड़ी बात है। अगर इसको संकुचित तौर पे कहेंगे अंगोछा असम का था, नर्थ पुडुचेरी की थी, तो आप बताइए क्या ये सच नहीं है कि दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा नर्सेज आती हैं? ये हर हॉस्पिटल में आप देखिए। लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति जब करी जाती है, मैं राहुल गांधी की एक बात से अंत करूंगा। राहुल गांधी ने कहा था 27 मई 2020 को, भैया बताइए कि कोविड वैक्सीन कब आएगा? अरे पूरा भारत आज बोल रहा है, भैया आप बताइए आप में बुद्धि कब आएगी, कब संकुचित सोच से ऊपर उठेंगे? ठीक है।